भगवान राम का भी सबरी ने सब्र रखा था, उनके लिए फूल बिछा रखे थे, उन्होंने सब्र रखा। वो उनके इधर कोई महात्मा आए थे भीख मांगने, पता नहीं अपन को इतना रामायण का ज्ञान नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ आज रामायण के बारे में। उसके भी उनके ही भी घर पे कोई महात्मा आए थे मांगने के लिए, तो उन्होंने बोला था ये मैंने भगवान राम के लिए है अपनी ये भाई सुनो। हाँ भैया, तो तुम जैसे अपनी छपरी, मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कमेंट में कि तुम कभी भी वायरल नहीं हो पाओगे, कभी भी वायरल नहीं हो पाओगे। तो यार मजाक है क्या? है हलवा समझ रखा है क्या? है अबे पागल आदमी, आज जो मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूँ ना, अरे सोच रखो भाई उतनी अच्छी, किसी को गिराने की सोच मत रखो, समझ गए? और जहाँ आज मैं बैठा हूँ ना, वहाँ तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी मेरी जान। घमंड नहीं है, घमंड नहीं मुझे इस चीज़ का कि मैं तुमसे इतनी बात क्यों कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का यार मुझे कभी भी घमंड नहीं है और ना कभी आएगा इस चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ मैं ना तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। जो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं कि यार तुम इतना उसमें घमंड में बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो, अब जब एल्विस भाई, सम्राट भाई, यूके भाई जैसा हाथ है सर पे, तो काय का डरना भाई? द MP04 राइडर का हाथ है हाथ पे सर पे, काय का डरना रे? हो ही जाएंगे, आज नहीं कल वायरल हो जाएंगे, हो जाएंगे। पर जय श्री राम, जय श्री राम, भगवान राम का हाथ है भाई, कभी भी वायरल हो जाएंगे, टेंशन नहीं है भाई इसकी। आज नहीं तो फिर कभी, फिर नहीं तो 5 साल मेहनत करी, 5 साल और सही मेहनत कर लेंगे भाई, पर वायरल होके दिखाएंगे, ये ध्यान रख लेना तुम लोग। हकीकत बात करता हूँ मैं, देखो विश्वास नहीं ना, सम्राट भाई हैं, यूके राइडर भाई है अपना, एल्विस भाई हैं, इनका MP04 राइडर अपना भाई है भाई, इन लोगों के साथ अपन जो चल रहा है ना, ऐसा ही नहीं चल रहा है, मजाक नहीं है इन लोगों के साथ रहना। सबा इब्राहिम, पागल हो क्या? ये मेंटल समझ रखा है क्या? तुम लोग कुछ भी बोल दो, मैं कुछ भी मान लूँ, है बुद्धि ठिकाने है नहीं है? पहले मेरे लायक बनो, फिर मेरे बात कमेंट करो कि मैं किस पोजीशन पे बैठा हूँ, क्या बातचीत कर रहा हूँ, समझ गए? वरना ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़े जाते मेरे भाई, हवा में तीर छोड़ने को तो मैं भी छोड़ दूँ, पर मैं कभी वैसी बातें ही नहीं करता मेरी जान, है ना? क्योंकि मैंने है ना बहुत मेहनत कर रखी है, डीजे रीमैक्स में तो मैंने मेहनत करी थी, ठीक है? जो भी काम मैंने करा ना, अपने दिल से करा, शिद्दत से करा, ईमानदारी से करा, हर किसी के साथ जो भी काम करा ना, दिल से करा, मेहनत की है मैंने। आज मैं जिस पोजीशन पे, जब भाई लोग मुझे ले आए ना, वो मैं खुश हूँ कि मैं आज यार यहाँ हूँ, ठीक है ना? भले मैं पैसा नहीं कमा रहा, एक पैसा नहीं कमा रहा, व्यूज़ नहीं आ रहा, आज नहीं कल आएंगे व्यूज़, व्यूज़ की टेंशन नहीं है। अरे यार तुम लोगों को कहाँ मैं बता रहा हूँ यार, घमंड करना होता ना तो आज से 2 साल 3 साल पहले मैं करता घमंड यार, तो मेरे लाखों मिलियन में व्यूज़ आते थे तब मैं कर लेता घमंड, पर कभी नहीं करा यार, करेंगे फिर, करेंगे फिर, कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे यार, घमंड कभी करना भी नहीं है, और समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सब लोगों, मैं ये सब चीज़ें ना आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और सब लोगों के लिए ये बात है, क्योंकि भाई लोगों देखो अच्छी बात होती है आप वायरल हो, अच्छी बात है आप जो नाम है सोशल मीडिया पे, वो अच्छी बात है। और मेरे लायक कभी भी तुम्हें कोई काम पड़े ना, तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारा काम बिल्कुल कर दूंगा, कभी मना नहीं करूंगा, पर ये बात ध्यान रखना, अपनी बात और अपनी चीत, ठीक है? उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, बाकी मेरा टेंशन तो छोड़। क्योंकि भाई देखो मैं अपनी मेहनत करूंगा, मैं अपने नसीब का खाऊंगा, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं, जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो आएगा सामने, बाकी जिसके नसीब में जो लिखा है देखो वही होना है, बाकी कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत आप लोगों के प्यारी सी बात बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो यार आप मेहनत करोगे तो उसका फल आपको ही मिलेगा, किसी और व्यक्ति को नहीं मिलने का वो फल। आप सब्र रखो, भगवान भगवान राम का भी सबरी ने
सब्र रखा था, उनके लिए फूल बिछा रखे थे, उन्होंने सब्र रखा। वो उनके इधर कोई महात्मा आए थे भीख मांगने, पता नहीं अपन को इतना रामायण का ज्ञान नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ आज रामायण के बारे में। उसके भी उनके ही भी घर पे कोई महात्मा आए थे मांगने के लिए, तो उन्होंने बोला था ये मैंने भगवान राम के लिए अपने ये फूल बिछा रखे हैं, वो आएंगे। पर वो महात्माओं ने क्या बोला था, भगवान राम तुम्हारी कुटिया कभी नहीं आएंगे। उसने बोला था मुझे भरोसा है और विश्वास है कि भगवान राम आएंगे। तो उस चीज़ का उनको जब भरोसा था तो मुझे क्यों नहीं होगा यार, मैं भी तो उसी सनातनी खानदान का व्यक्ति हूँ, तो मुझे उस चीज़ का घमंड क्यों नहीं होगा। वही बात है ना, तो मुझे उस सनातनी कोक का, जिस कोक से मैंने जन्म लिया, उसका घमंड क्यों नहीं होगा मुझे। तो वो चीज़ ध्यान रखो मेरे दोस्तों। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, इतना ही है ये ब्लॉग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। बाकी चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को फैला देना, दबा के शेयर करना भाई, क्योंकि इस वीडियो में सब लोगों के लिए प्यार है, सब लोगों के लिए A to Z 3600 बरादरी के लिए प्यार है। तो जय भारत माता की, जय सनातनी।